आर्मेनिया और अजरबैजान क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से जारी संघर्ष पर विराम लगाने के लिए तैयारी हो गए हैं। सिर्फ यही नहीं, दोनों ही इस संघर्ष के मारे गए लोगों के शव भी एक दूसरे को लौटाएंगे। दरअसल रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान ने संघर्ष विराम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि नारगोनो काराबाख क्षेत्र में अजेरी और जातीय अर्मोनियाई सेना के बीच संघर्ष के मारे गए लोगों के शवों और कैदियों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। 27 सितंबर से जारी आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में नारगोनो कराबाख के अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके पक्ष के करीब 200 कर्मचारी अब तक मारे जा चुके हैं और 90 से ज्यादा घायल हैं। अजरबैजान ने सैनिकों के हालात हताहत होने की जानकारी तो साझा नहीं की है, लेकिन 24 नागरिकों की मौत और 121 के घायल होने की बात कही है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम ने दोहराया था कि इस लड़ाई का अंत तभी हो सकता है जब नागोरन और कराबाख से आर्मेनिया पूरी तरह से हट जाए। इसी बीच आर्मेनिया ने आरोप लगाया है कि तुर्की भी इस संघर्ष के अजरबैजान का साथ दे रहा है और सीरियाई से अपने लड़ाकों को इस क्षेत्र में भेज रहा है। हालांकि तुर्की ने हथियार और विदेशी लड़ाकों को भेजने के आरोप खारिज किए हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।